Now next topic in C language is command line arguments. Command line argument भी concept related to array in C language. अभी तक मैंने array concept complete नहीं किया था, इसलिए मेरे लिए command line argument discuss करना possible था, लेकिन इस state में currently array concept almost complete हो चुका है, इसलिए मैं discuss क्या करना चाहता हूँ इसमें command line argument. काफी interesting concept है. This concept is almost supported by all programming language like Java, C, C++, like that. Clear? ये सभी language support करते हैं इस case में. अरे मीन वाई कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, इसके इसमें सबसे पहले इसके बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस करूंगा, थ्योरी डिस्कस होने के जस्ट बाद, फाइनली अगर आप इससे वेल फैमिलियर हो जाओ उसके जस्ट बाद मैं डिस्कस करूंगा सम प्रैक्टिस एग्जांपल्स. इसके इसमें काफी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इससे पहले जस्ट डिस्कस करेंगे बेसिक पॉइंट्स इस करंट सेशन ओनली, थ्योरेटिकल सेशन पार्ट के नेक्स्ट सेशन में जस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. किसी जनरली कमांड लाइन आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें, मीन्स जस्ट रिलेटेड, किससे रिलेटेड टू इनपुट, मीन्स आर्गुमेंट इज फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फंक्शन है लाइक आपके पास लाइक एडिशन, अगर टू नंबर का एडिशन परफॉर्म कराना है तो इसके इसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको कितने आर्गुमेंट पास करने की जरूरत है, जस्ट टू आर्गुमेंट अगर आपको टू नंबर सेट कराना है, तो इसके इसमें 10 और 20 के आर्गुमेंट टू द एड फंक्शन, और आर्गुमेंट को आप दूसरा नेम प्रोवाइड कर सकते हैं इनपुट टू द फंक्शन. तो आर्गुमेंट इज नथिंग बट सिंपली इनपुट टू द फंक्शन. सेम एज कमांड लाइन आर्गुमेंट में वर्ड क्या यूज होता है, आर्गुमेंट. इसका मतलब कहीं ना कहीं हम रिलेटेड किससे, रिलेटेड टू इनपुट्स, लेकिन ये इनपुट प्रोवाइड किसके लिए होंगे, जस्ट मेन फंक्शन के लिए. अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स में प्रीवियस प्रोग्राम्स में मेन फंक्शन डिस्कस किया था, जस्ट मेन का जस्ट बेसिक सिग्नेचर फॉलो किया था लाइक दैट, मीन्स एज अ जीरो आर्गुमेंट, मीन्स मेन के अंदर कोई भी वैल्यू पास करने की जरूरत थी क्या, मेन का टाइप क्या, मेन इज अ जीरो आर्गुमेंट फंक्शंस. अभी तक मैंने एरे कॉन्सेप्ट हाईलाइट नहीं किया था, इसलिए इससे रिलेटेड मैंने कोई बात नहीं की थी, लेकिन रियल में अगर मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, मेन के अंदर मैक्सिमम थ्री आर्गुमेंट्स सप्लाई करना पॉसिबल है. इसलिए आर्गुमेंट्स क्या, बाद में वन बाय वन डिस्कस करूंगा. मीन्स मेन के साथ जीरो आर्गुमेंट और मे बी थ्री आर्गुमेंट, मीन्स मेन फंक्शन जीरो आर्गुमेंट भी हो सकता है, वन आर्गुमेंट भी हो सकता है, टू आर्गुमेंट भी हो सकता है, थ्री आर्गुमेंट, सारे केस डिस्कस करें इस केस में. और थ्री पैरामीटर, जैसे इसके इसमें सिंटेक्स भी पढ़ गया, जस्ट सबसे पहले बात करें एग्जैक्टली व्हाट इज मीन वाई कमांड लाइन आर्गुमेंट. कमांड लाइन आर्गुमेंट इज नथिंग बट इट इज सिंपली इनपुट टू द मेन फंक्शंस. इस कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या है, इनपुट टू द मेन फंक्शन विच इज सप्लाइड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्टिकुलर केस में आप एड फंक्शन को कॉल करना चाहते हो इनसाइड मेन फंक्शन, सपोज दैट वी वांट टू कॉलिंग एडिशन फंक्शन, और एडिशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट अगर टू वेरिएबल्स हैं इंट एक्स कॉमा वाई, अगर एक्स और वाई के लिए आपको कोई मिस एड फंक्शन जस्ट पास क्या करेंगे, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को पास करने से पहले इसके लिए जस्ट वैल्यू रीड करेंगे बाई यूजिंग स्कैनएफ. लेकिन इस केस में क्वेश्चन क्या है, स्कैनएफ फंक्शन के केस में स्कैनएफ फंक्शन का एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होता है, स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू इनपुट्स कब रीड होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. अभी तक आपने जितने भी फंक्शन इनपुट फंक्शन के थ्रू डेटा कीबोर्ड से रीड किया था, सभी केसेस में डेटा कब रीड हो रहा था, वंस एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड. लेकिन मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें जिस टाइप से, इसके इसमें एड फंक्शन के लिए एक्स वाई के आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट रीड कब हो रहा है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. लेकिन मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आप मेन फंक्शन के लिए कोई आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, ये आर्गुमेंट जस्ट एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग में सप्लाई करना पॉसिबल है. प्लस इस केस में जस्ट एडिशन फंक्शन मैंने खुद से कॉल करा, इसलिए इस केस में एडिशन फंक्शन के लिए इनपुट पास करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था, जस्ट मेरा. अगर आप इस फंक्शन को कॉल करो उसके इसमें इनपुट कौन पास करोगे, आप. अगर कोई थर्ड पर्सन किसी फंक्शन को कॉल करता है उसके इसमें इनपुट कौन पास करे, सम अदर और थर्ड पर्सन. सिमिलरली मेन फंक्शन कभी भी डेवलपर के थ्रू कॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, मेन इज कॉल्ड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम, देयरफॉर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट टू द मेन फंक्शन. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मेन फंक्शन के लिए जस्ट एग्जीक्यूशन के बिगिनिंग में ही कोई इनपुट्स प्रोवाइड करना था, इन इनपुट्स को मेन फंक्शन के लिए अवेलेबल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. प्लस वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट सप्लाई में से मेन फंक्शन की बात करें, मेन को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसके इसमें अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है तो ये आर्ग्यूमेंट पास कौन करा, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो पहले चेक कर सकते हो, पहले मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, पहले मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, या मेन फंक्शन कॉल होगा तो मेन तभी कॉल करना पॉसिबल है, इसके लिए आर्गुमेंट पास हो चुका. तो चेक कर सकते हो इस केस में कमांड लाइन आर्गुमेंट के केस में आर्गुमेंट एग्जीक्यूशन टाइम पर सप्लाई हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन, दिस इज द बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन. मीन कमांड लाइन आर्गुमेंट जस्ट एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग में और बिगिनिंग में सप्लाई होते हैं, जबकि
कीवर्ड से अगर आप कोई वैल्यू इनपुट रीड कर देते हैं, इनपुट रीड को बता बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक इनपुट्स एंड कमांड लाइन इनपुट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग कमांड लाइन आर्गुमेंट टू द मेन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज क्योंकि मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए इनपुट भी कौन पास करेगा इसके लिए, या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी कौन पास करेगा, ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर डिफाइन या लाइब्रेरीज फंक्शन, अगर जैसे स्कैनएफ, स्कैनएफ मैंने खुद से कॉल किया तो स्कैनएफ के लिए इनपुट भी किसने पास की, जस्ट मैंने। अगर सेम फंक्शन सपोज की सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता देन उसके समय इनपुट कौन पास करेगा, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्यूजियस क्वेश्चन के आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा किस सिचुएशन में कमांड लाइन आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है और कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए कौन सा वैल्यू सप्लाई करनी नीड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा, जस्ट डेवलपर और यूजर। मींस फॉर एग्जांपल, अगर इस केस में कमांड लाइन आर्गुमेंट सप्लाई किया है समथिंग 10 ABC, 10 ABC, तो इस केस में वैल्यू किसने एंटर की, जस्ट डेवलपर ने। डेवलपर ने तो सिंपली वैल्यूज टाइप किए, लेकिन वैल्यूज को एरे के फॉर्म में स्टोर कराना और मेन फंक्शन के लिए अवेलेबल कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट इसके साथ टू क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग कमांड लाइन आर्गुमेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक अवेलेबल कमांड लाइन आर्गुमेंट टू द मेन फंक्शन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वैल्यूज टू द कमांड लाइन आर्गुमेंट, मीन्स वैल्यू सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्ट अगेन डेवलपर और प्रोग्रामर, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन्स कमांड लाइन आर्गुमेंट जब भी आप मेन फंक्शन के लिए सप्लाई करो तो उसको सप्लाई करने का जस्ट वे क्या होगा, इस किस टाइप से सप्लाई करेगा, मेन फंक्शन के अंदर वैल्यूज किस टाइप से एक्सेस करोगे, क्लियर। जनरली इनिशियली अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इन 1972, क्लियर। ऑफिशियली कब रिलीज हुआ था, इन 1972 के टाइम में, इस ड्यूरेशन की बात करें तो इस ड्यूरेशन में एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के थे, सीयूआई बेस्ड ओएस और जीयूआई बेस्ड ओएस। मीन्स फर्स्ट जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था, नियर अबाउट 1980। सी लैंग्वेज कब डेवलप हुआ, ड्यूरिंग 1972। तो इसके समय एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप क्या थे, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे उस टाइम पर सारे के सारे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू होता था, इसलिए इनपुट्स भी किस फॉर्म में सप्लाई हो रहे थे, आर्गुमेंट भी किसके थ्रू सप्लाई हुए, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, इसलिए इनको नेम दिया गया एज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, क्लियर, नथिंग अदर रीजन। नेक्स्ट वन, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की बात करें, जस्ट सिंगल वर्ड में इसको आप बोल सकते हो, इट इज अ सिंपली इनपुट टू द मेन फंक्शन सप्लाइड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग वैल्यू, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर और प्रोग्रामर। जस्ट बेसिक थिंग्स क्लियर, इससे रिलेटेड मैंने वन बाई वन डिफरेंट डिफरेंट जस्ट क्वेश्चन सॉरी पॉइंट्स प्रोवाइड किए, पॉइंट्स को जस्ट प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्ट मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर मेन फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करो तो उसके लिए जस्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट सप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट वन, सबसे पहले इस केस में डिस्कस करेंगे मेन फंक्शन का जस्ट बेसिक सिग्नेचर। अभी तक आपने जितने भी मेन बार मेन फंक्शन क्रिएट किया, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में मेन का टाइप के लिए था जस्ट जीरो आर्गुमेंट। लेकिन करंटली मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेन फंक्शन के अंदर मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट पास करना पॉसिबल है। लेकिन इस केस में आर्गुमेंट का टाइप फिक्स्ड है, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइप क्या होना चाहिए, शुड बी इंटीजर। सेकेंड टाइप क्या होना चाहिए, डबल पॉइंटर ऑफ कैरेक्टर टाइप। मीन्स इस केस में सेकंड मीन्स यहाँ वेरिएबल नेम्स क्या है, डजंट मैटर, वेरिएबल नेम आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस केस में वेरिएबल नेम जस्ट मैं रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड किया, इनका भी मीनिंग डिस्कस करूंगा। करंटली डेटा टाइप की बात करें तो फर्स्ट आर्गुमेंट मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट पास हो, जस्ट 3। फर्स्ट आर्गुमेंट टाइप क्या ले सकते हो, इंटीजर। सेकंड आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, शुड बी कैर स्टार स्टार, और इसको राइट डाउन करने का अदर सिंटेक्स फॉलो कर सकते हो लाइक दैट। इन दोनों के लॉजिकल मीनिंग कैसे होंगे, सेम। अदर सिंटेक्स क्या है, लाइक दैट। मीन्स इस केस में मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर अगर आप किसी फंक्शन पैरामीटर के अंदर वन डायमेंशनल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हो, वन डायमेंशनल डिक्लेरेशन को रिप्लेस किससे हो जाता है, जस्ट स्टार से। तो दोनों के लॉजिकल मीनिंग सेम है, इस हो सकता है कई सारे केसेस में, कई सारे एग्जाम्पल्स में आपको इस टाइप का सिंटेक्स मिले, जबकि दोनों के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम। तो इस केस में आर्गुमेंट का टाइप क्या, कैर स्टार स्टार, इसका मीनिंग क्या है जस्ट मैं डिस्कस करूंगा। सेम है थर्ड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट में टाइप क्या है इसका, कैर स्टार स्टार, क्लियर।
इन सी लैंग्वेज में आपको बताया, अगर सपोज दैट कोई इनपुट इन्फॉर्मेशन एरे के फॉर्म में अवेलेबल है, देन कभी भी एरे का साइज फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। मीन्स जब आप कोई कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करोगे कमांड प्रॉम्प्ट से, देन मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग स्टैंडर्ड में कैसे पता चलेगा या कोडिंग लेवल पर कैसे पता चलेगा आपने कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट सप्लाई किए। हो सकता है किसी केस में एक भी आर्गुमेंट पास ना किया हो, सकता है मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास किए हो। तो इस केस में जस्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट स्टोर किसमें होंगे, इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। मीन्स इससे जस्ट रिप्रेजेंट कर, सी स्टैंड्स फॉर काउंटर, मीन्स आर्ग्यूमेंट काउंटर। अगर आपने एग्जीक्यूशन टाइम पर टू आर्ग्यूमेंट पास किए तो इस केस में ए आर जी सी का वैल्यू क्या हुआ, जस्ट टू। अगर आपने थ्री आर्ग्यूमेंट पास किए देन ए आर जी सी का वैल्यू क्या हुआ, जस्ट थ्री। बाय डिफॉल्ट सपोज दैट अगर आपने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आर जी सी और आर्ग्यूमेंट काउंटर। अगर आपने एक भी इनपुट पास नहीं किया है या कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास नहीं, जैसे अभी तक कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है, तो फिर भी इस केस में एट लीस्ट एग्जैक्टली इम्प्लिसिटली कितने आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, वन, नॉट अ जीरो। मीन्स इस केस में जीरो नहीं बोलोगे, एट लीस्ट कितने आर्ग्यूमेंट पास होंगे, वन। और ये एट लीस्ट सिंगल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ऑलवेज फाइल नेम। इस बाय डिफॉल्ट किसी भी मेन फंक्शन के लिए एटलीस्ट आर्गुमेंट क्या पास होता है, फाइल नेम। प्लस ये फाइल नेम किस फाइल नेम का पास होगा, इस सोर्स फाइल नेम और एग्जीक्यूटर फाइल नेम, एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम। मीन्स मीन्स सभी मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में कमांड लाइन के फॉर्म में आएगा फर्स्ट आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट क्या पास होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट ऑलवेज फिक्स्ड है। आर्गुमेंट किस फॉर्म में पास होना, एरे के फॉर्म में। तो इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या हुआ, अरे फर्स्ट आर्गुमेंट है तो एरे के अंदर इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होना चाहिए, जस्ट जीरो। तो जीरो इंडेक्स ऑलवेज किसको प्रोवाइड होगा, फाइल नेम को। इसके अलावा अगर आपने कोई भी अदर आर्गुमेंट पास किया लाइक 10, 20 और लाइक ए बी सी लाइक दैट, देन रिमेनिंग आर्गुमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, वन। क्योंकि सारे के सारे आर्गुमेंट स्टोर किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ एरे। अगर आपको सिंगल वैल्यू स्टोर कराना है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए नीड क्या होती है, ऑलवेज सिंगल वेरिएबल। लेकिन मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना है, इसके लिए बेस्ट सूटेबल टाइप का है, जस्ट एरे। तो सारे के सारे कमांड लाइन आर्गुमेंट मेमोरी लेवल पर किस फॉर्म में स्टोर होंगे, एज अ एरे। अब क्वेश्चन है कि एरे किस टाइप का होगा, जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट या टेक्स्ट बॉक्स से कोई भी इनपुट पास कर दो, इसी इनपुट का ऑलवेज टाइप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग। और सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग नथिंग बट इट इज अ सिंपली एरे ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग मीन्स एरे ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको सिंगल स्ट्रिंग स्टोर कराना है, देन आपको एरे ऑफ कैरेक्टर कितने रिकॉर्ड है, सिंगल। और आपको टू स्ट्रिंग स्टोर कराना है, एक सिंगल एरे में कभी भी टू स्ट्रिंग स्टोर करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देन उस केस में कितने एरे रिकॉर्ड होंगे, जस्ट टू एरे। लेकिन इस केस में कमांड लाइन आर्गुमेंट के केस में मल्टीपल स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगे, इसलिए इस केस में जस्ट एरे कैसे हो, मल्टीपल एरे। उस केस में मल्टीपल एरे जस्ट रिप्रेजेंट कैसे होंगे, लाइक अ 2D, मीन्स एरे ऑफ एरे। इस केस में मीन्स स्ट्रिंग का अगेन एरे क्रिएट होगा, क्लियर। मीन्स एक सिंगल स्ट्रिंग पास होगा, मल्टीपल स्ट्रिंग। मीन्स फर्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर होगा जाए फर्स्ट एरे, सेकंड स्ट्रिंग कंसीडर होगा सेकंड एरे, थर्ड स्ट्रिंग कंसीडर होगा जाए थर्ड कैरेक्टर एरे। तो इस टाइप से अगेन स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में अगेन क्या क्रिएट हो रहा है, एरे। इसलिए इस केस में इन मल्टीपल एरे को स्टोर करने के लिए मीन्स इसको कंसीडर कर सकते हो लाइक अ टू डायमेंशनल एरे। और टू डायमेंशनल एरे को प्रोसेस करने के लिए यूज करें जस्ट डबल पॉइंटर, क्लियर। इसका मीनिंग मैं प्रैक्टिकली डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगा जब फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च करें, क्लियर। अभी जस्ट बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट केस फिक्स्ड है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के केस में अगर यूजर के थ्रू एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, फिर भी एटलीस्ट कितने आर्गुमेंट पास होंगे, वन आर्गुमेंट, विच इज नेम ऑफ द ईएक्सई फाइल, फिक्स्ड। इसके अलावा मीन्स प्लस exe फाइल नेम के केस में इसका इंडेक्स क्या हुआ है एरे के अंदर, जस्ट जीरो। तो रिमेनिंग नेक्स्ट कमिंग आर्गुमेंट अगर आपने कोई मैन्युअली पास किया है, इंडेक्स क्या हुआ, फर्स्ट आर्गुमेंट का इंडेक्स क्या हुआ, जीरो और वन, ऑलवेज वन। क्योंकि जीरो इंडेक्स ऑलरेडी फाइल नेम के लिए रिजर्व्ड है, इट इज फिक्स्ड। जब भी आप प्रोग्रामिंग लेवल पर आर्गुमेंट डिस्प्ले करा हो तो इस केस में जीरो इंडेक्स से डिस्प्ले कराना स्टार्ट करना चाहिए आपको, वन इंडेक्स से, वन इंडेक्स से। क्या जीरो इंडेक्स में फिक्स्ड है, जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर है, जस्ट फाइल नेम, क्लियर। नेक्स्ट अगर आपने मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं, उसके साथ मल्टीपल आर्गुमेंट सेपरेट किससे होंगे, सेपरेटेड बाई वाइट स्पेस। ऑलरेडी मैं सारे पॉइंट मेंशन कर चुका हूँ, मल्टीपल आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड बाई वाइट स्पेस। इस केस में अगर बात करें टोटल कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट ऑलरेडी इम्प्लिसिटली पास हो रहा है, इसको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4। बट सपोज दैट अगर कमांड फॉर्म से किसी पर्सन का नेम पास कर रहे हो लाइक दैट, फर्स्ट केस में मैंने पास किया जस्ट लाइक अ रोल नंबर, देन नेम ऑफ द पर्सन लाइक राहुल कुमार लाइक दैट, इन दैट केस। इस केस में अपने आप में मीन्स क्या, नेम ऑफ द पर्सन, नेम मीन्स नेम के अंदर अगेन क्या फाउंड हो रहा है, स्पेस। अगर किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के अंदर
आपको वाइट स्पेस रिक्वायर्ड है, यानी ये आर्गुमेंट डबल कोट्स में पास करना कंपल्सरी, इट शुड बी सप्लाइड बाई डबल कोट्स, मीन जस्ट रीड कर सकते हो वैल्यूज फॉर कमांड लाइन आर्गुमेंट शुड बी सप्लाइड बाई वैल्यूज फॉर कमांड लाइन आर्गुमेंट शुड बी सप्लाइड बाई यूजिंग सप्लाइड बाई यूजर, जस्ट डिफरेंट पॉइंट था। इस कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए वैल्यू सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जस्ट यूजर। सेकेंड केस, मल्टीपल आर्गुमेंट्स आर सेपरेटेड बाई व्हाइट स्पेस, मीन्स अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना चाहते हो उसके इसको सेपरेट किससे करें, जस्ट व्हाइट स्पेस से। बट इफ एनी आर्गुमेंट हैविंग व्हाइट स्पेस देन इट शुड बी एनक्लोज्ड इनसाइड डबल कोट्स। इस जनरली मल्टीपल आर्गुमेंट सेपरेट किससे होंगे, स्पेस से। अगर किसी आर्गुमेंट के केस में आपको स्पेस रिक्वायर्ड है देन इसको डबल कोट्स में एनक्लोज करना कंपल्सरी। इस केस में अगर बात करें तो टोटल कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, फाइल नेम जब फर्स्ट आर्गुमेंट 10 इज, सेकंड आर्गुमेंट इंडेक्स क्या है 1 लेकिन पोजीशन क्या है 2। देन इस केस में राहुल कुमार कंसीडर क्या हुआ एज अ सिंगल आर्गुमेंट, इसका इंडेक्स क्या हुआ जस्ट 2। क्लियर। नेक्स्ट वन, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट फर्स्ट आर्गुमेंट में सप्लाई किया होता नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई मेन फंक्शन क्रिएट कराया लाइक दैट, इसको आप प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हो इस प्रोग्राम को। मेन के केस में जस्ट मैंने एक सिंगल आर्गुमेंट यूज किया है इंटीजर टाइप, इंटीजर जस्ट सी, डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ सी, प्रिंट एफ परसेंट डी। सपोज दैट इस प्रोग्राम में मैंने कोई भी कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं किया है तो उस केस में भी सी का वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ 1, बिकॉज इस प्रोग्राम के लिए भी एटलीस्ट पास कर रहा फाइल नेम, फाइल नेम काउंट हो गया 1 आर्गुमेंट, इसलिए सी का वैल्यू क्या हुआ जस्ट 1। तो इस केस में आउटपुट क्या प्रिंट हुआ जस्ट 1। क्लियर। व्हाट अबाउट सेकंड आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट की बात करें तो जितने भी आप आर्गुमेंट पास करोगे सबसे पहले आर्गुमेंट स्टोर किस फॉर्म में होंगे एज अ स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जांपल जस्ट बेसिक केस, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मीन सपोज दैट फाइल का नेम क्या है जस्ट ए डॉट ई एक्स ई, इसके अलावा मैंने आर्गुमेंट पास किया 10 ए बी सी। देन इस केस में जस्ट चेक करें इसका इंटरनल डायग्राम क्या रहेगा, जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सपोज दैट इट इज सम मेन फंक्शन, तो इस केस में एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करें जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में मेन फंक्शन कॉल करे तो मेन को कॉल करने के रिस्पेक्ट में सप्लाई क्या करेगा 2 आर्गुमेंट। अभी मैं थर्ड आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंटली कितने आर्गुमेंट बात कर ओनली 2, तो एटलीस्ट कितने आर्गुमेंट पास होंगे इस केस में 2। तो 2 आर्गुमेंट किस टाइप से सप्लाई होंगे, इस केस में वैल्यूज किसने पास कर दी डेवलपर ने, लेकिन ये वैल्यू मेन फंक्शन के लिए किस टाइप से अवेलेबल होंगे जस्ट इस केस को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सपोज दिस इज द सम मेन फंक्शन, और मेन के केस में जस्ट मैंने राइट डाउन क्या किया है, फर्स्ट आर्गुमेंट है इंट सी, सेकेंड आर्गुमेंट इज कैर स्टार स्टार वी, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूज, ARGC means argument counter, ARGV means argument value। इस पर्टिकुलर केस में जस्ट मैं कोड बाद में राइट करूंगा, जब इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कराएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी मेन फंक्शन को कॉल करेगा तो मेन फंक्शन को कॉल करने से जस्ट पहले टोटल चेक कर उस केस में कितने स्ट्रिंग पास हो रहे हैं 3 स्ट्रिंग, तो 3 स्ट्रिंग्स को स्टोर कराने के लिए जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट क्या करेगा सेपरेटली कैरेक्टर एरे और एरे ऑफ कैरेक्टर। फर्स्ट स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने फाउंड हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्लस नल, स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे होंगे नल से, तो इस केस में एज्यूम करो इसका बेस एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हो 101102 लाइक दैट। इस प्लेस पर स्टोर क्या हुआ ए देन डॉट देन ई एक्स ई एंड नल, दिस द फर्स्ट एरे। क्लियर। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, स्पेशली इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर इस टाइप से कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया गया इस केस में आर्गुमेंट पास करें, रियल में आर्गुमेंट किस टाइप से पास करो सब कुछ मैं बताऊंगा, फिलहाल एज्यूम करो इस प्रोग्राम को कॉल करने से जस्ट पहले अगर आपने इस टाइप से 2 आर्गुमेंट पास किए ए डॉट ई एक्स ई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ए बाई डिफॉल्ट वेल अंडरस्टूड है। सपोज फाइल का नेम ए डॉट ई एक्स ई है या उस केस में फाइल का नेम इम्प्लिसिटली क्या पास हो ए डॉट ई एक्स ई, तो फर्स्ट एरे किसके लिए क्रिएट हुआ है फाइल नेम स्टोर कराने के लिए, सेकंड एरे किसके लिए क्रिएट हुआ स्टोरिंग कैरेक्टर 10 आपको फिजिकली कैसे सो रहे हैं या इंटीजर, लेकिन मेमोरी लेवल पर सारे के सारे कंटेंट किस फॉर्म में सप्लाई हो रहे हैं स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, तो इंटीजर नंबर भी स्टोर किस फॉर्म में होगा एजा स्ट्रिंग, इसका एड्रेस मैंने एज्यूम किया एजा 200। सेम एज ए बी सी के केस में लेंथ क्या है 3, तो इसे एरे को भी स्टोर कराने के लिए इस कंटेंट्स को भी स्टोर करने के लिए अगेन 1 मोर एरे क्रिएट होगा, और इसे एरे का साइज क्या होगा जस्ट 4 byte। फर्स्ट प्लेस पर क्या आसान हो जाएगा ए देन बी एंड सी देन टर्मिनेटेड बाई नल, सपोज दैट इसका बेस एड्रेस क्या 300
301, 302 and so on. 7200, 201, 202 and so on. Clear? This is the first case. इस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इस मेन फंक्शन को कॉल करने के रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या करेगा, सम एरे ऑफ कैरेक्टर. अगर आपने टू इनपुट पास किए देन एरे ऑफ कैरेक्टर्स कितने क्रिएट होंगे, थ्री, क्योंकि फर्स्ट नेम पर क्या पास हो गया, फाइल नेम. सेकंड केस इसके जस्ट बाद, अब मेन फंक्शन के केस में इन थ्री एरे को अगर एक्सेस करना तो मेन के पास इन तीनों एरे का एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए. लेकिन थ्री वेरिएबल का एड्रेस सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. लेकिन थ्री वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए पॉइंटर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, एड्रेस किस में स्टोर होगा, पॉइंटर्स में. तो इसके लिए कितने पॉइंटर्स रिक्वायर्ड है, जस्ट एग्जैक्टली थ्री पॉइंटर्स. तो मेन फंक्शन फिर से याद रखना आप लोगों के माइंड में सेट रहता है, मींस मोस्टली आपको गलत फहमी होती है कि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट इसके इसमें डायरेक्टली पास होना, कभी भी डायरेक्टली टू डायमेंशनल एरे के फॉर्म में पास नहीं होता. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मींस आपके माइंड में कैसा था, कमांड लाइन आर्गुमेंट सप्लाई किसके फॉर्म में रहा है, टू डायमेंशनल एरे, दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. कंप्लीटली रॉन्ग. इस कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए मल्टीपल वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे क्रिएट होंगे, लेकिन इन कैरेक्टर एरे के इसमें मल्टीपल एरे के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, थ्री डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर. थ्री आर वन पास के दिन कितने पॉइंटर्स रिक्वायर्ड है, थ्री पॉइंटर. तो थ्री पॉइंटर सप्लाई करने में सिंगल वेरिएबल में थ्री पॉइंटर पास करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कभी भी एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन आपको पता होना चाहिए एरे के केस में सिंगल एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना पॉसिबल है. तो इस केस में जस्ट थ्री डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन क्रिएट क्या करेगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स. क्रिएट क्या हो रहा है इस केस में, अगेन एरे प्लस इस एरे का टाइप क्या, पॉइंटर, क्योंकि इस एरे के अंदर स्टोर किया हुआ जस्ट मेमोरी एड्रेस लाइक दैट 100, 200, 300. इसे थ्री डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के एड्रेसेस में कितने का डिफरेंस होगा किसी के लिए भी बताना पॉसिबल नहीं. लेकिन इसे एरे के केस में श्योर है, इसे एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, पॉइंटर टाइप्स के, और एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस टू बाइट होता है, तो उनके एड्रेसेस में भी कितने का डिफरेंस होगा, टू बाइट का. फॉर एग्जाम्पल अगर इसे एरे का एड्रेस क्या है, लाइक ओनली माई एजम्पन 1000, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1000 है, तो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस क्या हो 1002, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस क्या हो 1004. क्लियर. नेक्स्ट वन, इस एरे का बेस एड्रेस क्या है 1000. मीन्स फाइनली स्टेप मीन्स फर्स्ट पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, फर्स्ट स्ट्रिंग. सेकेंड पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, सेकेंड स्ट्रिंग. और थर्ड पॉइंटर पॉइंट किसको कर रहा है, थर्ड स्ट्रिंग. मीन्स फाइनली मेन फंक्शन को रिक्वायर्ड क्या है, दीज थ्री कैरेक्टर एरे. लेकिन थ्री कैरेक्टर एरे को एक्सेस करने के लिए तीनों के एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे. ये तीनों एरे के एड्रेस किसके पास है, अगेन एरे ऑफ पॉइंटर्स के पास. अगर मेन के पास इसे एरे का पॉइंटर मिल जाए, देन इसे एरे के थ्रू रिमेनिंग कैरेक्टर एरे एक्सेस करना पॉसिबल. फाइनली जब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेन फंक्शन को कॉल करेगा, तो स्पेशली याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल किया था मेन फंक्शन, लेकिन मेन के अंदर एज आ इनपुट सप्लाई क्या हुआ, इन कैरेक्टर एरे का एड्रेस पास होगा और एरे ऑफ पॉइंटर का एड्रेस पास होगा. एरे ऑफ पॉइंटर्स का एड्रेस क्या है 1000. तो इसके साथ मेन फंक्शन के लिए सप्लाई क्या हुआ, सम इनपुट एज 1000. 1000 मीन्स एड्रेस ऑफ दिस एरे. देन इसके रिस्पेक्ट में जब सॉरी वन मोर केस, मीन्स 1000 पास होगा एरे सेकेंड आर्गुमेंट. लेकिन इसके साथ फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इनसाइड दिस एरे. मीन्स इसे एरे का लेंथ, एरे ऑफ कैरेक्टर का लेंथ क्या है इसके समय, इसे एरे ऑफ कैरेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट हैं, या इसे एरे का कैपेसिटी क्या है 1, 2, 3. तो मीन्स सबसे पहले फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या पास हो जाएगा, 3, और सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास हो जाएगा, इसे एरे का बेस एड्रेस. दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कॉलिंग मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू. जब भी मेन फंक्शन कॉल हो तो इस टाइप से कॉल होगी. मैं थर्ड आर्गुमेंट को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, इस बाद में हाईलाइट करूंगा इसको, जस्ट गिवन केस. तो इस केस में चेक कर सकते हो, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन के अंदर आपने इस टाइप से कोई लॉजिक स्टार्ट किया, तो इस केस में फर्स्ट वैल्यू असाइन किस में जाएगा, सी में. तो सी का वैल्यू क्या होगा इस केस में, जस्ट 3. 3 क्या है इस केस में, 3 इज नथिंग बट इट इज अ लेंथ ऑफ दिस एरे ऑफ कैरेक्टर. इस केस में याद रखना स्पेशली इसका टाइप क्या है, सॉरी एरे ऑफ पॉइंटर्स नॉट अ कैरेक्टर. इस केस में एरे में क्या स्टोर है, कैरेक्टर्स और एड्रेसेस, एड्रेसेस, इसलिए इसको नेम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स. मीन्स इसके अंदर पॉइंटर किस टाइप के, कैरेक्टर टाइप के, इसलिए इसको नेम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर. नेक्स्ट इसका इंडेक्स क्या हुआ, 0, 1, 2. फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 1000. तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इसका नेम क्या हो सकता है, स्टार 1000. सेकंड एलिमेंट का एड्रेस क्या है 1002. इसका नेम क्या, सॉरी नेम क्या हो सकता है, स्टार 1002. सेम है स्टार 1004 लाइक दैट एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन,
वी में क्या था मीन्स इस केस में चेक कर सकते हो एड्रेस डायरेक्टली किसी वेरिएबल 1000 किसी वेरिएबल का एड्रेस है या एरे का एड्रेस है, एरे का एड्रेस है और एरे नेम से अगेन क्या रिप्रेजेंट हुआ है बेस एड्रेस, तो इसके अंदर भी अगेन क्या स्टोर है पॉइंटर्स, तो इसलिए इसको एक्सेस करोगा यूजिंग डबल पॉइंटर्स। जब भी किसी पॉइंटर एरे का एड्रेस एक्सेस करते हो इसके इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है डबल पॉइंटर, इसके लिए वी का टाइप क्या है इसके इसमें डबल पॉइंटर, तो इसके इसमें 1000 के इसमें आसान हो जाएगा वी में। क्लियर। फाइनली इसके इसमें जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में टू वेरिएबल्स क्रिएट होना, टू लोकल वेरिएबल्स सी एंड वी। सी के रिस्पेक्ट में बात करें तो सी का वैल्यू क्या आसान हो रहा है, जस्ट मैं इसी प्लेस पर हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, इस मेन फंक्शन कॉल किसके थ्रू है, मेन इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इस मेन, लेकिन इस मेन के लिए लॉजिक किसने प्रोवाइड किए, जस्ट डेवलपर और यूजर, इसके लिए कोड में बाद में राइट करूंगा। जस्ट मेन के रिस्पेक्ट में कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, टू वेरिएबल्स सी एंड वी। वी क्या है इसके इसमें, वी इज सिंपली डबल पॉइंटर, सी में क्या आसान हो जाएगा थ्री एंड वी में क्या पास हुआ है 1000, तो वी में क्या आसान होगा 1000। इस वी ये पर्टिकुलर पॉइंटर वी किसको पॉइंट करेगा, जस्ट गिवन एरे, तो इसे एरे के रिस्पेक्ट में इसका नेम क्या हो सकता है स्टार वी, स्टार वी इस ब्लॉक का नेम, इसे एक्सेस क्या हुआ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। क्लियर। नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस करना तो इस केस में सिंपली एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं इंट आई। अब आपको फिजिकली तो पता है इसके इसमें थ्री आर्गुमेंट पास किए, लेकिन कोडिंग लेवल पर मेन फंक्शन को कैसे पता चले इसके इसमें कितने आर्गुमेंट पास हुए, मीन्स नंबर ऑफ सप्लाइड आर्गुमेंट का वैल्यू किसमें स्टोर है इन साइड सी। तो इसके इसमें जब भी इसे एलिमेंट को एक्सेस कराओ तो यूज क्या कर लोगे, जस्ट एरे कॉन्सेप्ट सॉरी लूपिंग कॉन्सेप्ट, तो लूप को इटरेट करने के लिए यूज क्या करें आई। इसके इसमें लूप कितनी बार चला हुआ है, इससे पहले जस्ट पहले मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ वैल्यू ऑफ सी, अगर इस केस में प्रिंट एफ के थ्रू सी का वैल्यू डिस्प्ले कराओ प्रिंट एफ परसेंट डी डिस्प्ले करा वैल्यू ऑफ सी, तो इस केस में जस्ट आउटपुट में डिस्प्ले क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सी विच इज सी का वैल्यू क्या है जस्ट थ्री, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा एच थ्री। सेकेंड केस लूप के थ्रू रिमेनिंग सारे एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आई में मैंने आसान करा है जीरो प्लस कितने एलिमेंट एक्सेस करना है नंबर ऑफ सी, मीन्स अगर सी का वैल्यू थ्री है तो आपको कितने एलिमेंट एक्सेस करना थ्री एलिमेंट, तो लूप भी कितनी बार चलाओ थ्री टाइम, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है जीरो, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें जीरो से, देन एवरी टाइम आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन जस्ट प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो इसके इसमें और पुट्स फंक्शन भी यूज कर सकते हो, सप्लाई किया मैंने जस्ट वी ऑफ आई, स्पेशली याद रखना इसके इसमें सप्लाई क्या किया वी ऑफ आई, देन फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई में क्या आसान हो जाएगा वैल्यू एस जीरो, एक और लोकल वैल्यू क्या क्रिएट हुआ मेन फंक्शन के अंदर आई और आई का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो, कंडीशन टेस्ट होगा जीरो लेस देन सी, सी का वैल्यू क्या है थ्री, मीन्स आई लेस देन सी, आई का वैल्यू क्या है करंटली जीरो, सी का वैल्यू क्या है थ्री, तो कंडीशन क्या जीरो लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन कॉल क्या हो रहा है पुट्स फंक्शन, और पुट्स में क्या पास किया वी ऑफ आई, पुट्स के अंदर क्या पास किया जस्ट v ऑफ i, आप पुट्स के प्लेस पर प्रिंट एफ भी यूज कर सकते हो, जस्ट इसको प्रोसेस करें तो v के प्लेस पर क्या रहा है v, i के प्लेस पर क्या रहा है i का वैल्यू, और i का वैल्यू क्या है जस्ट जीरो, इसका पॉइंटर कन्वर्जन क्या हुआ स्टार v प्लस जीरो, v का वैल्यू क्या है जस्ट चेक कर सकते हो v के अंदर करंटली क्या स्टोर है 1000, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 1000 प्लस जीरो इज नथिंग बट सिंपली स्टार 1000, तो फाइनली पुट्स फंक्शन में क्या पास हो रहा है स्टार 1000, स्टार 1000 के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा स्टार 1000 का वैल्यू, स्टार 1000 में क्या स्टोर है 100, तो स्टार 1000 के प्लेस पर सप्लाई क्या होगा फाइनली 100, तो इस पुट्स फंक्शन में क्या पास हो रहा 100, तो पुट्स फंक्शन क्या करेगा जस्ट 100 से कैरेक्टर्स रीड करना स्टार्ट करेगा, कब तक रीड करेगा जब तक नल नहीं मिल जाता, 100 इसे फर्स्ट एरे का एड्रेस है। क्लियर। एरे के केस में जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा ए डॉट ई एक्स ई, देन नल मिलेगा देन रीड करना स्टॉप कर देते, फर्स्ट केस में जस्ट क्या प्रिंट हो जाएगा ए डॉट ई एक्स ई, अगर फाइल का नेम ए डॉट ई एक्स ई है, अगर आपने कोई डिफरेंट नेम यूज किया देन अदर नेम डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट वन इसके बाद परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में जस्ट वन, फिर से इफ का सॉरी फाइल के केस में कंडीशन टेस्ट होगा वन लेस देन थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से पुट्स फंक्शन में पास किया हुआ वी ऑफ आई, जस्ट मैं इस प्लेस पर हाईलाइट कर रहा हूँ वी ऑफ आई के केस में वी के प्लेस पर क्या आएगा वी का वैल्यू, चेक कर लो वी के प्लेस पर क्या है वी का वैल्यू, वी में क्या स्टोर है जस्ट 1000, तो इसको आप नेम दे सकते हैं 1000 ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है 1 लाइक दैट, देन 1000 और ए ऑफ आई का जस्ट कन्वर्जन क्या होता है स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर क्या 1000, आई के प्लेस पर क्या 1,
चेक कर लो 1000 जिस एरे का नाम है, इस एरे के अंदर एलिमेंट का साइज क्या है 22 बाइट्स, तो यहाँ इंक्रीमेंट भी कितने से होगा 2 से, तो अगेन क्या मिलेगा आपको 1002, और इसके लिए अप्लाई क्या हुआ स्टार, वो स्टार से रिटर्न क्या होता है वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। चेक कर लो जिस लोकेशन का नेम, जिस लोकेशन का एड्रेस स्टार सॉरी एड्रेस 1002 उसी लोकेशन का नेम क्या हुआ स्टार 1002, तो जिस लोकेशन का नेम स्टार 1002 इसका वैल्यू क्या है 200, तो नेक्स्ट टाइम पुट्स फंक्शन में क्या पास हो जाएगा 200, और 200 क्या सेकंड कैरेक्टर एरे का एड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट टाइम जब 200 पास होगा तो पुट्स फंक्शन कैरेक्टर किस प्लेस रीड करे फ्रॉम 200 ऑनवर्ड्स, तो सबसे पहले क्या है 1 देन जी कैरेक्टर 0 देन नल कैरेक्टर, जैसे नल मिलेगा देन रीड करना स्टॉप कर दे, तो नेक्स्ट टाइम का डिस्प्ले हो जाएगा 10, क्लियर। फिजिकली आपको इंटीजर्स हो रहा है लेकिन रियल में सारे के सारे कंटेंट किस फॉर्म में एरे ऑफ कैरेक्टर मींस स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा 2 less than 3, कंडीशन अगेन 2, कंडीशन 2 है तो फिर से इस प्लेस पर पास क्या हुआ वी का वैल्यू, तो अभी भी क्या वी में क्या स्टोर हो 1000 फिक्स्ड, लेकिन इस केस में आई का वैल्यू क्या 2, 1000 में 2 से एडिशन करा हुए 1000 जिस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करा उस ब्लॉक के अंदर सारे के सारे एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट्स, मीन से एड्रेस कितने बाइट्स का सो रहा है 1000 2 बाइट्स का, तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा मल्टीप्लाई बाय 2, 1002 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, या मीन से इस केस में जस्ट क्या आएगा स्टार 1004, तो इस प्लेस पर रिप्लेस किया जाए स्टार 1004 का वैल्यू व्हिच इज 300, तो इस प्लेस पर फाइनली पुट्स फंक्शन में क्या पास होगा 300, तो थर्ड टाइम पुट्स फंक्शन स्ट्रिंग को किस प्लेस से रीड करेगा फ्रॉम 300 ऑनवर्ड्स, मींस थर्ड एरे, थर्ड एरे में बिगिनिंग कैरेक्टर क्या है ए, कब तक रीड करेगा जब तक नल नहीं मिल जाता ए बी सी, सी के बाद क्या फाउंड नल रीड करना स्टॉप कर, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, आई का वैल्यू 3 होगा तो नेक्स्ट टाइम अगेन फोर लूप के केस में कंडीशन टेस्ट होगा, तो कंडीशन में क्या आई के प्लेस पर क्या पास करेंगे 3, 3 less than 3 कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल लूप से बाहर आ जाए, लेकिन लूप से बाहर आने से पहले जस्ट प्रोग्राम के थ्रू आप डिस्प्ले क्या करा चुके हो ऑल कमांड लाइन आर्गुमेंट वैल्यूज, मीन से सिंपली इस केस में सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस डायग्राम को अगर आप फॉलो करो देन मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, स्पेशली याद रखना हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये डायग्राम डिफरेंट टाइप से मिल जाए लाइक टू डायमेंशनल एरे, लेकिन रियल केस में कभी भी इस केस में टू डायमेंशनल एरे क्रिएट नहीं होगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट के वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए सेपरेट एरे क्रिएट होगा, क्लियर। सेपरेट एरे के मीन्स उसका जितने भी एरे क्रिएट हुए हैं वो सभी एरे के एड्रेसेस स्टोर कराने के लिए अगेन क्रिएट क्या हो रहा है वन मोर एरे, क्योंकि एरे कैसा एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो इस एरे में स्टोर क्या हो जाएगा एड्रेसेस। अगर आपको रियल में प्रूव करना है तो इसके इसमें आप जस्ट डिस्प्ले क्या करा सकते हो, अगर इस प्लेस पर जस्ट डिस्प्ले कराते हैं वी एड्रेस ऑफ वी ऑफ आई, अगर आप वी ऑफ आई का एड्रेस डिस्प्ले करा हुए देन इस केस में आपको एवरी टाइम क्या मिल जाएगा एड्रेस ऑफ वी ऑफ आई मीन्स लाइक दैट, तो इस केस में एड्रेस स्टार कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा 1000, सेकंड टाइम क्या प्रिंट हो जाएगा 1002, थर्ड टाइम क्या प्रिंट होगा 1004, इस केस में आउटपुट क्या आएगा 1000 देन 1002 देन 1004, प्लस इस केस में पुट्स के प्लेस पर यूज क्या करेंगे प्रिंट एफ, डिस्प्ले कैसे कराओ परसेंट यू से, इसे रियल में पॉइंट ना इसलिए इनके एड्रेसेस में डिफरेंस कितने का होगा आपको 2 का, अगर आप 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर यूज करते हैं पॉइंटर का डिफरेंस कितने का होगा जस्ट 4 का, मैं जस्ट एक्सटेंशन प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू 16 बिट सी कंपाइलर, नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप के अगेन प्रोग्राम में प्रोवाइड करूंगा, प्लस नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए आप वैल्यूज किस टाइप से सप्लाई करो, अभी जस्ट मैंने इसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, लेकिन एडिटर के थ्रू अगर आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए वैल्यू पास करना है किस टाइप से वैल्यूज पास करो, वैल्यूज पास करने का प्रोसेस जस्ट सिंपल केस है हाउ टू सप्लाई वैल्यूज फ्रॉम कमांड लाइन आर्गुमेंट, सपोज अगर आपने कोड राइट कर लिया, कोड राइट करने के बाद प्रोग्राम राइट करने के बाद इस प्रोग्राम या फाइल का नेम क्या है जस्ट ए डॉट सी प्लस दिस इज द सी एडिटर, सी एडिटर के केस में आपने देखा हो कई सारे मेन्यूज रहते हैं लाइक फाइल एडिट एंड सो ऑन, इसी में से एक मेन्यू क्या रहता है जस्ट रन एंड सो ऑन, तो इस केस में सी एडिटर टर्बो सी की बात करूँ टी सी सी एडिटर टर्बो सी के केस में सबसे पहले आप क्लिक किसको करो क्लिक दिस रन बटन, और आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट की सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो अल्ट आर देन प्रेस एंटर की, जैसे ही एंटर की प्रेस करो तो इस केस में एक सब मेन्यू शो होगा आपको इन केस ऑफ दैट, तो इस केस में कई सारे ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन आपको क्या होगा इस केस में आर्ग्यूमेंट्स, लास्ट ऑप्शन क्या है इस केस में आर्ग्यूमेंट्स, देन आप क्लिक किसको करो क्लिक ऑन दिस आर्ग्यूमेंट, जैसे इस केस में रन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे देन आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस न्यू डायलॉग बॉक्स में जस्ट शो क्या हुआ टेक्स्ट बॉक्स
न्यूरल बॉक्स में आपको शो कह रहा जस्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसके प्लेस पर आपको सेव आर्ग्यूमेंट्स देन लाइक दैट सम अदर बटन्स। फाइनली स्पेस पर क्या रहेगा ओके एंड कैंसिल बटन्स लाइक दैट। इस केस में इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आपके लिए आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। जैसे प्रीवियस केस में आर्गुमेंट क्या पास किए ए डॉट ई एक्स फाइल नेम है, आपको पास करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सप्लाई होता है। सप्लाई क्या किया टेन ए बी सी, तो इस केस में आप पास कर सकते हो लाइक दैट टेन स्पेस ए बी सी देन क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद फाइनली अगेन आपको फिर से रन पर क्लिक करना होगा एग्जीक्यूट करने के लिए। आप सॉरी से सिंपली प्रोग्राम से पहले आप आर्गुमेंट के लिए वैल्यू सेट कर दो, वैल्यू सेट करने के बाद सिंपली आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है लाइक दैट अल्ट देन प्लस आर देन एंटर की। प्रीवियस केस में एंटर की प्रेस नहीं करना, अल्ट आर से आपको इसे डायलॉग से सिलेक्ट किया करना था आर्गुमेंट, लेकिन इस केस में अल्ट आर प्रेस करो तो इस प्लेस पर आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा रन। जैसे इस पर एंटर प्रेस कराओगे देन इस केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले स्टेप से आपके लिए आर्गुमेंट सेट करना पॉसिबल। सेम है जब आप सेकंड टाइम फिर से कोई अदर आर्गुमेंट सेट करना चाहते हो फिर से आपके लिए आर्गुमेंट सेट करना पॉसिबल हो लाइक अ 10 20। अगर आपको मल्टीपल मीन इस केस में सेपरेशन किस हो रहा है स्पेस से, सप्लाई किया समथिंग राजकुमार, तो राजकुमार है सिंगल वर्ड है प्लस इसके अंदर फाउंड कर रहा है स्पेस, तो इसको आप डबल कोट्स के फॉर्म में एनक्लोज कर सकते हो। इस केस में कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं जस्ट 3 आर्गुमेंट 10 20 एंड राजकुमार क्लियर। मीन्स जीरो इंडेक्स फिक्स्ड है, जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर होगा फाइल नेम। अगर आप फाइल नेम डिस्प्ले नहीं कराना चाहते उस केस में लूप को स्टार्ट कहाँ से कराएंगे फ्रॉम वन। वन इंडेक्स में मीन्स इस केस में 10 का इंडेक्स क्या हुआ 1, 20 का इंडेक्स क्या हो 2, राजकुमार का इंडेक्स क्या हो जस्ट 3, और जीरो इंडेक्स में बाई डिफॉल्ट क्या पास हो जस्ट फाइल नेम। इससे रिलेटेड मैं अदर एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। इस वन मोर केस, इस केस में जस्ट मेन फंक्शन के केस मैंने डिस्कस किया था। मेन फंक्शन के अंदर मैक्सिमम अप टू 3 आर्गुमेंट पास करना पॉसिबल, तो अभी तक मैंने आपको हाईलाइट कितने आर्गुमेंट किए मेन के लिए ओनली 2 आर्गुमेंट्स मीन्स लाइक दैट void main। तो void main मैन के केस में फर्स्ट आर्गुमेंट किस टाइप का होना चाहिए शुड बी इंटीजर टाइप विच इज नथिंग बट आर्गुमेंट काउंटर, और सेकेंड आर्गुमेंट क्या होना चाहिए डबल पॉइंटर v means values। तो डबल पॉइंटर क्या यूज करोगे इसके अंदर पॉइंटर का एड्रेस या एरे का एड्रेस, और एरे का एड्रेस स्टोर कराने के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या होता है डबल पॉइंटर, इसलिए यूज कर गया डबल पॉइंटर। सेम एज थर्ड आर्गुमेंट, व्हाट अबाउट थर्ड आर्गुमेंट, जनरली आपने देखा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स मीन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जस्ट टू टाइप मीन सी लैंग्वेज की बात करें स्पेशली सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल कितने टाइप के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पीसी और सिस्टम, काफी इंटरेस्टिंग केस है भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट थर्ड आर्गुमेंट क्लियर। दिस इज योर पीसी, पीसी के अंदर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें सपोज दैट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने मल्टीपल यूजर अकाउंट्स ओपन कर रखे हैं। फर्स्ट अकाउंट क्या है जस्ट एडमिन, सेकेंड अकाउंट बाई डिफॉल्ट क्या रहता है जस्ट गेस्ट अकाउंट इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप से मल्टीपल अकाउंट्स हैं देन सम एनदर अकाउंट लाइक थर्ड अकाउंट में क्रिएट करें जस्ट जावा प्रोफेशनल, फोर्थ अकाउंट क्या समथिंग स्टूडेंट्स लाइक दैट। इस टाइप से विंडोज के केस मैंने टोटल लॉजिकली 4 अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं, अकाउंट्स कितने 4। करंटली मैंने लॉग इन किया है गेस्ट अकाउंट क्लियर, टोटल अकाउंट्स कितने 4। तो इस केस में मैंने इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल क्या किया जस्ट सी एडिटर और सी कंपाइलर, सपोज दैट ओएस मैंने सी कंपाइलर टर्बो सी कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। देन इस पर्टिकुलर केस में अभी तक आपने देखा अगर आप कोई सी प्रोग्राम बना रहे हो तो सी प्रोग्राम के अंदर जनरली 2 टाइप्स के वेरिएबल्स पॉसिबल हैं लोकल एंड ग्लोबल, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है लोकल वेरिएबल्स विद इन अ सिंगल फंक्शन एक्सेस करना पॉसिबल है जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स ऑल फंक्शंस के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल। अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शन है m1 m2 m3 देन ये सारे फंक्शन में एक्सेस होगा जबकि लोकल वेरिएबल के लिए उसी फंक्शन में एक्सेस करना पॉसिबल है जिस फंक्शन के अंदर क्रिएट किया। सिमिलरली लेकिन ये वेरिएबल किस लेवल पर डिफाइन हुए प्रोग्रामिंग लेवल और लैंग्वेज लेवल। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर भी कुछ वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे हैं, वेरिएबल्स को नाम देते हैं सिंपली एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी अगेन 2 टाइप्स के होते हैं सिस्टम वेरिएबल और यूजर वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर जिस वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं उन वेरिएबल को नेम क्या दिया जाता है
एनवायरमेंट वेरिएबल्स, क्लियर। देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के। टू टाइप्स क्या है इस केस में, यूजर वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स। स्पेशली याद रखना, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स ओनली विद इन अ प्रोग्राम एक्सेस करना पॉसिबल था, विद इन अ प्रोग्राम। बट सपोज दैट आपने सिस्टम में टू डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर इंस्टॉल कर रखे, सी एंड जावा। अगर सी प्रोग्राम में कोई वेरिएबल क्रिएट किया था, ये पर्टिकुलर वेरिएबल ओनली सी के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल। सेम है जावा प्रोग्राम में, अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया था, ये वेरिएबल विद इन अ जावा एक्सेस करना पॉसिबल है। बट सपोज दैट मुझे कोई ऐसा वेरिएबल रिक्वायर्ड है जो वेरिएबल सी लैंग्वेज के थ्रू, सी प्रोग्राम के थ्रू भी शेयर करना पॉसिबल, जावा प्रोग्राम्स के थ्रू भी शेयर करना पॉसिबल, या सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू शेयर करना पॉसिबल, उस वेरिएबल को आप नेम दोगे एज अ एनवायरमेंट वेरिएबल्स। क्लियर, मीन्स एनवायरमेंट वेरिएबल्स, सेम एनवायरमेंट वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस करना पॉसिबल है। सेम एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर कई सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, इन एनवायरमेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज अवेलेबल हैं। तो सी लैंग्वेज के केस में बात करें, सी लैंग्वेज में अगर किसी एनवायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना है, देन उस केस में जितने भी सिस्टम के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं, जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स सी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल हैं, वो सभी एनवायरमेंट वेरिएबल भी रिप्रेजेंट करने के लिए अगर क्रिएट किया होता सम एरे ऑफ कैरेक्टर, क्लियर। देन इन एनवायरमेंट वेरिएबल के एरे ऑफ कैरेक्टर का एड्रेस किस में पास होता है, जस्ट पॉइंटर वेरिएबल env। जिस टाइप से कमांड लाइन आर्गुमेंट एक्सेस करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वी, सिमिलर टाइप से एनवायरमेंट वेरिएबल भी एक्सेस करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ env। मीन्स अगर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल एक्सेस करना है, आप सिंपली कोड क्या राइट करोगे, इसे इसी मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट बात करना, अगर इस टाइप से कोई मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है, इस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक्सेस क्या करना है, ऑल एनवायरमेंट वेरिएबल। लेकिन एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए कोई काउंटर पास नहीं होता है, किसी प्रोग्राम में कितने एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं इसके लिए, मीन सी के केस में इसके लिए कोई काउंटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट डिस्प्ले कराना है, तो सिंपली यूज क्या करो, फॉर लूप आई, स्टार्टिंग कहाँ से कराएं, जस्ट वन से, आई लेस देन सी, आई प्लस प्लस, डिस्प्ले क्या करा लोगे, जस्ट पुट्स वी ऑफ आई। सिमिलर टाइप से अगर आपको एनवायरमेंट वेरिएबल डिस्प्ले कराना है, अगेन आप यूज कर सकते हैं लूप। अगर आप श्योर हो सिस्टम के अंदर फाइव एनवायरमेंट वेरिएबल, उसके से लूप कितनी बार चलाओ, फाइव टाइम। अगर आपके सिस्टम में एन एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं, लूप कितनी बार चलाओ, एन टाइम्स, आई प्लस प्लस, देन डिस्प्ले क्या करा लो, पुट्स ई एन वी ऑफ आई। जिस टाइप से वी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एरे ऑफ कैरेक्टर, सिंगली ई एन वी ऑफ आई से भी क्या रिप्रेजेंट हो, एरे ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी स्टोर किस फॉर्म होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ env of, means in the form of array of characters, means जो डायग्राम मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए क्रिएट किया था, सेम डायग्राम क्रिएट किसके लिए, env के लिए। ओनली डिफरेंस क्या है, इस प्लेस पर स्टोर किए हुए थे वैल्यू विच इज सप्लाइड बाई यूजर, लेकिन इस केस में स्टोर क्या होंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट वेरिएबल। जस्ट मैंने टू एनवायरमेंट वेरिएबल डिस्कस की, यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल्स। लोकल और ग्लोबल में जो डिफरेंस था, सेम डिफरेंस किस में, यूजर एंड सिस्टम। मीन्स यूजर वेरिएबल्स ओनली विद इन अ यूजर एक्सेस करना पॉसिबल। सपोज दैट इस गेस्ट अकाउंट में मैंने टू वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20, इनका टाइप क्या है, कमांड लाइन सॉरी एनवायरमेंट वेरिएबल्स। फर्स्ट केस में इसका टाइप क्या है, सम यूजर वेरिएबल, सेकंड केस में वाई का टाइप मैंने कंसिडर किया जाए सिस्टम वेरिएबल। देन सिस्टम वेरिएबल की बात करें, नेक्स्ट टाइम अगर मैं स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू लॉगिन होता हूँ, देन उस केस में वाई को तो एक्सेस करना पॉसिबल है, क्योंकि वाई क्या था, सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल विद इन अ सिस्टम किसी भी यूजर के अंदर एक्सेस करना पॉसिबल है। लेकिन अगर यूजर वेरिएबल्स की बात करें, यूजर वेरिएबल्स के तभी एक्सेस करना पॉसिबल होगा जब आप सेम अकाउंट के थ्रू लॉगिन करें। अगर ये यूजर वेरिएबल मैंने गेस्ट अकाउंट में क्रिएट किया, देन इसको एक्सेस भी किसके थ्रू कर सकते हैं, ओनली बाय यूजिंग गेस्ट अकाउंट, अदर अकाउंट में एक्सेस करना पॉसिबल नहीं। जस्ट इसलिए का आपको नॉलेज रिकॉर्ड नहीं है, जस्ट बेसिकली बात करें, जनरली आपको सी लैंग्वेज के अंदर कभी भी एनवायरमेंट वेरिएबल एक्सेस करने की नीड नहीं। जस्ट मैंने आपको बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया, जस्ट बेस्ड ऑन नॉलेज पर्पज, नथिंग एल्स, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। फाइनली मेन फंक्शन के अंदर मैक्सिमम थ्री आर्गुमेंट पास करना पॉसिबल, आपके लिए इंपॉर्टेंट केस कितने, बिगिनिंग टू, व्हाट इज द एटलीस्ट वैल्यू ऑफ सी, सी के केस में मिनिमम वैल्यू क्या, वो ऑलवेज वन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें एटलीस्ट पास क्या होता है, फाइल नेम, क्लियर।